स्वागत है मेरे चैनल में। और ये TBS की जो है स्टार सिटी प्लस स्पोर्ट है और इसका मैं सेल्फ दबाता हूँ, तो देख सकते हैं पूरा जो है मीटर का लाइट गायब हो जाता है। तो जितने भी मैकेनिक के पास ये गाड़ी गया है सब ने जो है बोला इसका बैटरी ख़राब है, जबकि बॉस कंपनी का नया बैटरी है। मैं एक बार और दिखा दूँ आपको सेल्फ मार के, ये देख इंजन जो है एकदम मतलब रुक रुक के घूम रहा है। सेल्फ का मतलब है एकदम बैटरी ख़राब है फिर भी दो चार राउंड मारना चाहिए। तो इसका देख सकते हैं मैंने भी बैटरी चेंज किया था, लेकिन अभी मैं दिखा दूँ ये बॉस का बैटरी के चार्ज कितना है। देख सकते हैं 12.84 जो है चार्ज बता रहा है। और इस पर ही सेल्फ दबाता हूँ थोड़ा सा, तो सेल्फ मार के भी मैं दिखा देता हूँ। अगर बैटरी ख़राब रहे तो एकदम जीरो हो जाना चाहिए। तो देख सकते हो 5, 7, 8 जा रहा है, थोड़ा सा बैटरी तो वीक है लेकिन सेल्फ उठा लेना चाहिए इतना पे। तो चलो मैं इसको बताता हूँ प्रॉब्लम है क्या। तो मैं मैग्नेट कवर खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम जो है इसमें ही लगा, सेल्फ में ना कि बैटरी में। मैंने बैटरी वापस से चेंज करके देखा, दूसरा बैटरी देख सकते दो बैटरी पड़ा है। तो मैं मैग्नेट खोलता हूँ, मुझे वन वे क्लच में मुझे शक लगा है तो मैं ये खोल चुका हूँ और इसको निकालता हूँ और एकदम क्लियरली आपको दिखाएंगे पूरा। तो मैग्नेट कवर ये ओपन हो गया और जो है ये देख सकते हो, तो इसका कुछ भी अभी डैमेज है नहीं कॉइल ऑयल। ऐसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया हूँ कि कैसे कॉइल डैमेज हो जाता है वन वे क्लच की वजह से। तो मैग्नेट में जो है कुछ तो देखो, ये जो है पहले ही प्रॉब्लम दिख गया, ये टूटा पड़ा है इसके अंदर एक ये और एक जो है ये। तो ये TBS में जो है बहुत ज़्यादा टूटता है वन पे, कभी बोल्ट ही खुल जाता है। तो देखते हैं चलो खोल के। और ये जो होता है ना ऐसा ख़राब बैटरी पे चलाने की वजह से टूटता है। तो मैं इसको मैग्नेट ओपन करता हूँ क्योंकि ख़राब बैटरी थोड़ा रुक रुक के जो है सेल्फ घूमेगा तो मैग्नेट वन वे जो है ख़राब होता है। तो इसको मैं मैग्नेट खोल चुका हूँ और निकालते हैं बाहर। बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि मतलब है क्या प्रॉब्लम और कितना डैमेज है, ये क्यों रुक रहा था, इंजन रुक रुक के चल रहा था। तो ये मैं निकाल लिया हूँ बाहर, मैंने जो है पूरा निकाल लिया मैग्नेट असेंबली और निकालता हूँ फ्लाईव्हील। ये देखो ये जो देख रहे हो पूरा ये फ्लाईव्हील है और नीचे जो हमारा ये लगा हुआ है वन वे पूरा, क्या हालत है देख सकते हो। इससे हो रहा क्या है, हमारा सेल्फ को जो है कमज़ोर कर दे रहा है, पूरा घूमने नहीं दे रहा है, पूरा जाम होके क्योंकि सब एक जगह पे आके अटक गया हुआ है। आपने एक्टिवा का कभी बैंडेक्स देखा हुआ टूटा हुआ फंस जाता है नहीं घूमता है, सेम उसकी तरह ही इसका भी जाम हो चुका है। तो चलो प्रॉब्लम तो मिल गया और देख सकते हो क्रैक भी हो चुका है, पूरा क्रैक आ गया है वन वे पूरा असेंबली हमको डालना पड़ेगा। अगर क्रैक नहीं रहता तो सिर्फ इसका जो है वन वे बैरिंग्स डालने से काम हो जाता, लेकिन पूरा वन वे असेंबली डालना होगा। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ बाहर और इसका वन वे खोलता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मार्केट में वन वे मैं लेके आता हूँ क्योंकि हम लोग का आउटसाइड में जो है थोड़ा गांव है इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो मैं खोलता हूँ। तो 5 नंबर का एलेंकी का बोल्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये जो है 3 बोल्ट आता है इसमें, तो एक बोल्ट ये खुल गया और ये दूसरा और ये तीसरा। और मैंने जो है मैग्नेट सपोर्टर लगा के ही रखा हूँ क्योंकि इसमें खोलने में और टाइट करने में अच्छा रहता है, सपोर्टर जो है काफ़ी अच्छा ठीक मिलता है। तो ये निकल गया हमारा वन वे पूरा। तो मैं नया असेंबल करता हूँ, नया जो है लाया हूँ, तो मुझे जो है थोड़ा ओरिजिनल तो नहीं मिला, ये मिला कंपनी अच्छा है। और ये मैं फिट कर दिया और ये थोड़ा कुछ अलग है इससे क्योंकि वो स्टार सिटी के नाम से है और ये स्टार सिटी प्लस है, तो दोनों में जो है लग जाता है। और ये मैं फिट करता हूँ फ्लाईव्हील
और देख सकते हैं स्टार सिटी प्लस का जो है और RTR का ये सब का सेम होता है। तो ये थोड़ा ओल्ड मॉडल का था, अच्छा काम करेगा, ये भी फिट कर देता हूँ पूरा असेंबल करके, मैं आपको जो है दिखाता हूँ डायरेक्टली। ये मैग्नेट बैठ गया, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये वन वे में। और बैटरी भी मैंने असेंबल कर दिया, कुछ चार्ज वर्ज नहीं किया, वैसे ही लगा दिया हूँ, मैंने चेक करने के लिए निकाला था, और क्योंकि बैटरी का प्रॉब्लम है ही नहीं, हल्का सा वीक है, वो गाड़ी चलेगा और चार्ज हो जाएगा। तो मैं इसको जो है पूरा टाइट कर लिया हूँ और ये मैग्नेट कवर असेंबल करता हूँ और डायरेक्टली आपको जो है मैं फिटिंग करके उसके बाद। तो ये मैग्नेट कवर फिट करता हूँ, फिट हो गया फर्स्ट क्लास, पैकिंग भी अच्छी थी इसकी, फटी नहीं थी। टाइट करता हूँ, मैं पूरा टाइट करता हूँ, गियर लीवर ये सब लगा लेता हूँ अब तक कसा गया। और उसके बाद मैं आपको असेंबल दिखाता हूँ पूरा फिटिंग करके। फिट हो गया और पैनल हटा दें, गियर लीवर फिट करता हूँ, चाबी जब तक लाता हूँ। और मैंने जो है गियर लीवर लगा दिया, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको, क्योंकि गाड़ी गियर में था, न्यूट्रल करना भी था, तो चाबी मैं ऑन किया हूँ और ये करता हूँ। तो बैटरी थोड़ा डाउन है देखो, लेकिन स्टार्ट हो गया प्लस प्लस देख सकते हो। और ये बॉस की बैटरी है, याद रखना कभी भी अगर बैटरी ख़राब होगा ना तो ये सेल दबा के बैटरी को दोनों जो है माइनस प्लस हाथ रख के देखना है हीट हो रहा है कि नहीं, अगर हीट हुआ तो बैटरी का प्रॉब्लम है नहीं, हाथ रखने से ही पता चल जाएगा, उतना झंझट करने का समस्या भी नहीं रहेगा। ये पूरा वन वे सब टूट गया था और वापस से मैं एक बार बंद करके चालू करके दिखा दूँ, तो देख सकते हैं थोड़ा डाउन है बैटरी, लेकिन स्टार्ट हो जा रहा है, गाड़ी चलेगा पूरा फुल चार्ज हो जाएगा और फर्स्ट क्लास हो जाएगी गाड़ी। तो एक वन वे का समस्या था और इतना जो है परेशानी, और लोगों ने बैटरी ख़राब, हमेशा बैटरी ख़राब नहीं होता है। तो चलो